ज्यादा फेमस रहता है। देखिए यहाँ पे आंटी जो है सिटी सेल कर रही हैं, जो कि हमारे बिहार के सोनपुर मेला में काफी ज्यादा ये फेमस सिटी है। ठीक है, कितना के आंटी है? 10 के जोड़ा। तो आंटी बोल रही है रहता है 50 रुपए चार्ज दीजिए और गोल गोल घुमाइए, वीडियो बनाइए। इसका प्राइस कम से कम 6 लाख होगा। हाँ, कोई अगर लेना चाहे उसको कम बेसी करके तो कितना में दे दीजिएगा? 4 लाख। देखिए ऊपर सर के ऊपर जो रखा हुआ जो लोटनी है ये मतलब गिर नहीं रहा, मतलब बैलेंस कितना ज्यादा अच्छे तरीके से जो है इसको मेंटेन की हुई है। ये कौन चाहिए भाई? केस किंग। दोस्तों देखिए यहाँ पे केस किंग जो तेल का प्रचार करते हुए एक महान कलाकार यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो है व्हाइट घोड़े का जो है पूरा यहाँ पर सेशन है, और आगे चलेंगे और एक से एक यहाँ पर घोड़ा आपको देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, देखिए ये है सुनामी झूला जो कि पटना के गांधी मैदान में पहली बार लगा था, जो कि बिहार के सोनपुर मेला में भी जो यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर देखिए लोगों का जय माँ वैष्णो देवी दर्शन। तो दोस्तों यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का यहाँ पर ये गुफा बनाया गया है, जो कि काफी ज्यादा भैया जी शानदार यहाँ पे लग रहा है देखने में। इस गुफा हाइट पे यार पता नहीं चल रहा है कि उतना हाइट पे, वीडियो में शायद ना पता चले लेकिन हाइट काफी ज्यादा है। यहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी का राज रोशन ब्लॉग्स में। सो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा तबाही होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आया हुआ हूँ विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है हमारे बिहार के सोनपुर में। सो दोस्तों अभी मैं फिलहाल हूँ हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला। आप लोग हमारे पीछे का ये बोर्ड देख सकते हो, हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला 2023। तो भैया पिछले साल भी आए हुए थे, इस साल भी आए हुए हैं, तो चलिए आप सभी को सोनपुर मेला को पूरा टूर करवाने वाले हैं और पूरा घूम कर आप सभी को शेयर करवाते हैं। देखते हैं कि क्या क्या इस बार हमें बिहार के सोनपुर मेला में देखने को मिलता है। फिलहाल भाई अभी मैं आ चुका हूँ पार्किंग में और गाड़ी को जो है पार्किंग में लगा दिए हैं। अब पार्किंग का जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किया हुआ है। आप लोग हमारे इधर देख सकते हो, इधर जो है इधर कार वार का पूरा पार्किंग एरिया लगा दिया है। इधर कार का मतलब पार्किंग एरिया, बाइक का इधर है, मतलब बाइक भी काफ़ी सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, जगह बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप लोग आराम से आके पार्किंग लगा सकते हो। बाइक को जो है हमने वहाँ पर मस्त पार्किंग में लगा दिया है और पार्किंग का जो चार्ज है 40 रुपया है, मतलब 12 घंटे का। 12 घंटा अगर रुकना है तो 40 रुपया जो है पे करना पड़ेगा पार्किंग का। फिलहाल अभी हम लोग जो यहाँ से निकलते हैं मेला घूमने के लिए भाई। देखिए दोस्तों यहाँ पर अजूबा डिज्नीलैंड सोनपुर मेला, और यहाँ पर जो है ना बहुत सारे यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंडर वाटर फिश टनल को भी जो यहाँ पर बनाया गया है बड़ा सा मछली का रूप में। और यहाँ सामने वाला आप लोग झूला देख सकते हो पूरा भाई उल्टा कर दे रहा है, और वहाँ पर जो है वो गोल गोल जो घूमता है भाई वो वाला जो यहाँ पर झूला है। अब नीचे में उसका जो है ब्रेक डांस वाला झूला है, मतलब ये पूरा एरिया जो है अंदर में जो झूले का है, तो इसके अंदर चलते हैं और घुमाते हैं। और फिर देखिए इधर से एक इधर रोड जा रहा है, दूसरा रोड इधर जा रहा है मेले घूमने के लिए। काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है, और हमारे पीछे इस साइड आप लोग देख सकते हो इस साइड जो है ट्रैक्टर वगैरह जो है। दोस्तों इस साइड आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा सोनालिका का। तो चलते हैं इसके अंदर, और इसमें हम आ चुके हैं सोनपुर मेला के अंदर। और सोनपुर मेला के जब आप लोग अंदर आओगे ना तो यहाँ डिज्नी एंड सोनपुर मेला में देखिए कितना बड़ा यहाँ पे मछली बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अंडर वाटर सिस्टम कितना भाई बड़ा यहाँ पे बनाया गया है, काफी बड़ा एरिया है। चलते हैं इसके अंदर और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बलून वगैरह बेच रहा है, फिलहाल यहाँ पे लड़कियों लोगों का यहाँ पे सामान वगैरह यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर नीचे में काफी सारा झूला वगैरह भी है भाई, और इस साइड जो है लोग मतलब स्टार्टिंग अपना खाने वाने वाला जो है काउंटर पे सभी कुछ लगाए हुए हैं। सामने का ये झूला देखिए काफी बड़ा सा मतलब शानदार है, ये साइड उतना बड़ा नहीं है, इससे बड़ा वाला दूसरे जगह है। चलते हैं इसके अंदर, और भीड़ जो है काफी ज्यादा है। आज मैं 6ठे दिन आ रहा हूँ, 25 को ओपनिंग हुआ था और 6ठे दिन पे आज आ रहा हूँ भाई। आज 1 तारीख है, 1 दिसंबर का लुक आप लोग देख सकते हो सोनपुर मेला का कैसा है। इधर नाव वाला है, और इधर जो है भैया जी टैटू वगैरह इधर बनाया जा रहा है। यहाँ पर एक से एक देखिए आप लोग जो है टैटू वगैरह जो है बना सकते हो, एक से एक दोस्तों यहाँ पे टैटू वहाँ पे भैया जी मस्त बना रहे हैं। चल ये जो झूला आप लोग देख रहे हो दोस्तों ये है सुनामी झूला, जो कि हमारे बिहारी मैदान में लगा हुआ था पहली बार। पटना भी भीड़ नहीं है कि कंजस्टेड हो, ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ पर सब तरह का चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा भाई जी। अभी हम लोग आप सभी को झूला वाला जो है सेशन दिखा रहे हैं, बहुत सारा यहाँ पे सेशन है, वो सभी को आप सभी को दिखाऊंगा मैं। हाइट पे यार पता नहीं चल रहा है कि उतना हाइट पे, वीडियो में शायद ना पता चले लेकिन हाइट काफी ज्यादा है। यहाँ जय माँ वैष्णो देवी दर्शन। तो दोस्तों यहाँ पर माँ वैष्णो देवी का यहाँ पर ये गुफा बनाया गया है, जो कि काफी ज्यादा भैया जी शानदार यहाँ पे लग रहा है देखने में। तो इस गुफा को भी चलेंगे, इसका भी शायद कुछ चार्ज वगैरह है, टिकट काउंटर आ गया है। तो चलिए टिकट काउंटर को प्राइस वगैरह जो है पूछते हैं कितना है कितना नहीं, उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से कवर करेंगे। माँ वैष्णो देवी का ये झूला, तो टिकट का दाम है दोस्तों मात्र 50 रुपए, 50 रुपए दीजिए और इस माँ वैष्णो देवी झूले के अंदर जाइए, दर्शन कीजिए। वैष्णो देवी का यहाँ पर गुफा है, गुफा के जस्ट सामने देखिए काफी ज्यादा खाने पीने का मिल जाएगा, और छोटे छोटे बच्चे लोग का ये हर झूला हर जगह ये आपको ये झूला देखने को मिल जाएगा, ये घोड़ा वाला आप लोग देख सकते हो भाई। और यहाँ पर जो है नीचे में जो है यहाँ पर जो है ब्रेक डांस यहाँ पे लगाया हुआ है,
और ये वाला तो भाई झूला पे मेरा हालत खराब हो गया था। ये जब उतना बड़ा नहीं है, पिछला वाला था तो इससे भी बड़ा था। बड़ा वाला झूला शायद उधर उस साइड लगाया हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक डांस है, इसमें भैया जी आप घूमिएगा तो चक्कर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये है सुनामी झूला जो कि पटना के गांधी मैदान में पहली बार लगा था, जो कि बिहार के सोनपुर मेला में भी जो यहाँ पर लग चुका है। और यहाँ पर देखिए लोगों का यहाँ पे भाई फोटो खींचने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, ठीक है। भैया जी इसमें भी हालत खराब होता है, लेकिन इससे कई ज्यादा डेंजर जो है मेरे को ये वाला लग रहा है, ठीक है। काफी ज्यादा ये हाइट पे, देखिए कैमरे में भी मतलब कैप्चर नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा हाइट पे भाई, क्या हालत खराब हो रहा है लोगों का। चलो एक एरिया में गए थे, मतलब पहला वो एरिया था जिसमें अभी हम लोग एंटर किए थे, अजूबा डिज्नीलैंड मेला 2023 के अंदर। अभी हम लोग जो है दूसरे वाले एरिया में जो है यहाँ पे एंटर करेंगे, तो चलिए चलते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, यहाँ पे जगह जगह पे जो है ना पार्किंग का सुविधा जो है दिया गया। जैसे देखिए न्यू कार पार्किंग, तो यहाँ पे बाइक कार आप लोग दोनों जो है पार्क कर सकते हो, और ऐसा ऐसा आपको हर जगह पे यहाँ पे सुविधा जो है देखने को मिलेगा। और रोड के साइड साइड में जो है लोग जो है यहाँ पे खाने पीने का जो स्टॉल वगैरह है यहाँ पे सभी लगाए हुए हैं, और सोनालिका वगैरह मतलब कि अलग अलग ट्रैक्टर वगैरह, कुत्ता बिलाई, हाथी घोड़ा से लेकर मतलब आपको एक से एक यहाँ पर आपको चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अभी एक से एक हमारा देश के जवान भी यहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए पूरी सब मिल रहा है। देखिए मतलब बिहार का हमारा सोनपुर मेला इसीलिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, यहाँ पे बकरिया वगैरह भी मिल रहा है, भेड़ बकरी आपको सब मिलेगा, कुत्ता बिलाई हाथी घोड़ा से लेकर सब चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे बकरी पड़ी है घोड़ा बाजार, ठीक है। अभी हम लोग घोड़ा बाजार के जस्ट एंटर किए हैं, यहाँ पे घोड़ा से रिलेटेड मतलब जो भी उसका सामान होता है यहाँ पे सब आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जैसे हम लोग एंटर किए, देखिए यहाँ पे बकरी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा भाई। चलिए चलते हैं, आज के इस व्लॉग में जो है हम आप सभी को पूरा सोनपुर मेला को जो है टूर करवाने वाले हैं, किसी एक के ऊपर प्रॉपर वीडियो नहीं, जबकि सब एरिया को जो है थोड़ा थोड़ा जो सीन है हम आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ आए और गाय का अगर दर्शन नहीं करें तो भाई हम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे गाय वगैरह भी यहाँ पे सेल हो रहा है, गाय भी आपको एक से एक महंगे महंगे दाम में सस्ते सस्ते दाम में जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मस्त आकर यहाँ पे गाय वगैरह जो है लेते रहते हैं, महंगा से सस्ता एक से एक आपको यहाँ पर गाय वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से भी हम लोग और आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे इधर भैंस वगैरह भी मिल जाएगा दोस्तों आपको, सबका अपना दाम वाम जो होगा आराम से लगाइए लीजिए। ये दोस्तों कला का कमी नहीं है हमारे बिहार में, एक से एक बच्चे जो है अपना कला यहाँ पर दिखाएंगे। इस पतली से रस्सी पे जो है बच्ची जो है वो चलेगी, सर के ऊपर जो है यहाँ पे लोटा वगैरह लोटनी जो जिसको बोल रहे हैं लोटनी लेकर हाथ में डंडे को लेकर यहाँ पर चल रही है भाई। काफ़ी ज़्यादा ये सुंदर नज़ारा देखने को, अभी ये हल्का सा हिल रहा है, ये अभी और ज़्यादा हिलेगा जब ये बीच सेंटर में आएगी, तो काफ़ी ज़्यादा जोर से जो है हिलता है। देखिए ऊपर सर के ऊपर जो रखा हुआ जो लोटनी है ये मतलब गिर नहीं रहा, मतलब बैलेंस कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इसको मेंटेन की हुई है। देखिए एक ब्लैक रंग का यहाँ पे एक घोड़ा दिख रहा है, जो कि काफ़ी अलग अलग तरह का कलर देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर का एक घोड़ा है भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसके दोस्तों यहाँ पर जो है वाइट घोड़े का जो है पूरा यहाँ पर सेशन है, और आगे चलेंगे और एक से एक यहाँ पर घोड़ा आपको देखने को मिलेगा। देखिए हम लोग आ चुके हैं घोड़ा बाजार के अंदर, और देखिए यहाँ पर एक से एक यहाँ पर घोड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये पहला अभी हम लोग जो है एरिया ही देख रहे हैं घोड़े का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अंदर एरिया में और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया में यहाँ पर घोड़े को जो है यहाँ पर एक से घोड़ा है। देखिए वाइट कलर का, ब्राउन कलर का, और बहुत सारे घोड़ा मिल जाएंगे। ये पहला एरिया देखिए, अंदर में बहुत अंदर तक आपको घोड़ा मिलेगा। चलिए थोड़ा सा अंदर चल, कितने का हुआ ये घोड़ा का जो दाम है? काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन घोड़ा लग रहा है, बड़ा में काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। कितना हुआ इसका प्राइस? कम से कम 6 लाख होगा। कोई अगर लेना चाहे उसको कम बेसी करके तो कितना में दे दीजिएगा? 4 लाख। अच्छा 6 लाख से 4 लाख, चलिए बढ़िया है। बचपन से इसको बड़ा किए हैं कि खरीद के बेच रहे हैं? बचपन से। चलिए अंकल बता रहे हैं कि बचपन से जो इसको बड़ा किए हैं और अभी जो इसको सेल कर रहे हैं, तो अंकल कहीं बुरा नहीं लग रहा है कि बचपन से बड़ा किए हैं और अभी इसको बेच रहे हैं? बुरा लगता है। बाजार से भी हम लोग निकल कर अभी हम लोग आ चुके हैं रोड पर, और यहाँ से भी हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए कि और यहाँ पर क्या क्या आपको चीज़ें देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ई रिक्शा भी सेल हो रहा है, तो आपको सोनपुर मेला में ई रिक्शा भी देखने को मिल जाएगा। घोड़ा बाजार से थोड़ा सा भी आगे आए हैं, और यहाँ पर अभी हमारे पीछे जो है काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पर जो स्टडी टेबल यहाँ पर लगाया हुआ है, काफ़ी बड़े एरिया में यहाँ पे स्टडी टेबल को जो है लगाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। और वो स्टडी टेबल पे जो है लूडो भी बनाया गया है कि पढ़ते पढ़ते अगर आपका मन नहीं लगे तो लूडो खेलिए, ठीक है, पढ़ते पढ़ते लूडो खेलिए। साथ में यहाँ पर एक से एक स्टडी टेबल लगाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा भैया जी बेहतरीन लग रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पर स्टडी टेबल का। आइए स्टडी टेबल कैसे सेल कर रहा है भैया? 400 में। क्यों ज्यादा दाम बता रहे हैं जी? ऐसे तो 100 रुपया में मिल जाता है हम लोग को। 100 रुपया में
पटना देना है 100 रुपया में। ट्रैक्टर वगैरह छोटा वहाँ पे देखिए, उधर बड़ा ट्रैक्टर मिल रहा था, इधर छोटा ट्रैक्टर मिलेगा, एक से एक स्टडी टेबल यहाँ पे देखने को मिलेगा भाई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आइसक्रीम यहाँ पर जो है दिया जा रहा है बच्चे लोग को, और ये देखने के लिए देखिए सोनपुर के मेला में यहाँ पे लोगों का कितना भयंकर भीड़ लगा। दे रहे हैं जो कि काफी बेहतरीन तरीके से मिल रहा है, लोग आकर आइसक्रीम ले रहे हैं, लोगों का यहाँ पर अपने भीड़ देख सकते हो कितना ज्यादा है। भैया जी पुलिस वाले यहाँ पे आ चुके हैं और पुलिस वाले जो है रुकवा दिए हैं। कितना मस्त अभी नाच उच हो रहा था भाई, फ्री फोकट का यहाँ पे हम लोग मस्त डांस देख रहे थे लड़की लोगों का, ठीक है, फ्री में डांस देख रहे थे, पुलिस वाले आके मस्त भाई रोक दिए। यार क्या बोलूँ, चल मेला में आपको क्या नहीं देखने को मिलेगा वो बताइए, एक से एक यहाँ पे चीज आप सभी को देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, देखते हैं और आगे क्या है। सोनपुर में जो है थिएटर लगता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है, एक शोभा थिएटर जो कि राजगीर में लगा हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा भैया जी फेमस हुआ था, तो वो शोभा थिएटर शायद ये भी थिएटर ही है, नहीं तो थिएटर लगता है। तो चलिए हम लोग अभी थिएटर वाले एरिया में जो जाने का कोशिश करेंगे कि उधर क्या सीन रहता है भाई। दोस्तों देखिए इधर जो है लड़कियों का सेशन है, लड़कियों का यहाँ पे मस्त भैया जी जैकेट वगैरह जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पे लड़कियों लोग का सेशन भी जो है स्टार्टिंग से ही हमें देखने को जो है लग रहा है। लड़कियों लोग का देखिए यहाँ पे बढ़िया बढ़िया जो है जैकेट देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे सूट सलवार सब यहाँ पे जैकेट वगैरह ठंडा के लिए, और इस साइड में भी मतलब कि ये मुझे लगता है मैं सर लड़कियों वाला सेशन में जो हूँ अभी इंटर कर चुका हूँ, क्योंकि लड़कियों का इधर ड्रेस काफ़ी ज़्यादा भैया जी फेमस मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए समझिए कि लड़की लोग आराम से कम्बल ओढ़िए और सूतिए, इसमें वो वाला एकदम ठंडा गर्मी जाड़ा सब एकदम ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पुलिस वाले प्रशासन भी यहाँ पे टाइट है एकदम मस्त, जगह जगह पे यहाँ पे पुलिस आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से मैं आ रहा था जगह जगह यहाँ पे प्रशासन थे, ठीक है, प्रशासन भी भैया जी एकदम जगह जगह पर है, मतलब कोई भी तरह का किसी भी तरह का आप कुछ आइएगा मेला में तो करने का सोचिएगा नहीं तो पकड़ते पुलिस से लाकम जुतम सब ठुकाइएगा। देखिए यहाँ पे लड़के लोग का यहाँ पे जैकेट वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे आंटिया लोग को शाल वगैरह मिल रहा है, कम्बल मिल रहा है, यहाँ पे आंटी लोग मस्त साल वगैरह देख रही हैं। इधर लगता है वही सेशन है, अभी हम लोग जो आ चुके हैं स्मार्ट थिएटर में, इसमें काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था ये शोभा थिएटर, काजल नाम की एक लड़की थी जिसके वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था शोभा थिएटर, जो कि यहाँ सोनपुर मेला में भी जो कि है लग चुका है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पीछे है ये शोभा थिएटर, पता नहीं कितने बजे चालू होगा, चल के देखते हैं। वायरल गर्ल काजल देखिए वहाँ पे एकदम पोस्टर लगाया हुआ है वायरल गर्ल काजल का अंदर में, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा शोभा थिएटर का फर्स्ट लुक सामने से। और इंडियन थिएटर यहाँ पर है, यहाँ पे बगल अगल में जितना देख रहे हैं सब थिएटर वगैरह लगा हुआ है, डांस वगैरह लड़कियाँ लोग करती है। चलो आ चुके हैं शोभा स्मार्ट थिएटर के अंदर, देखिए शोभा स्मार्ट थिएटर के अंदर आते हैं, देखिए यहाँ पे वायरल गर्ल काजल के नाम से यहाँ पे पोस्टर भी जो है लगाया गया है, और इस साइड आप लोग देखिए इस साइड काफ़ी बड़े एरिया में जो है लगाया गया है। ऊपर में आप लोग देख सकते हो 2022 सोनपुर मेला का वायरल गर्ल काजल राजगीर मलमास मेले में हंगामा मचाते हुए इस वर्ष भी शोभा स्मार्ट थिएटर में फिर से अपने कला को प्रदर्शन करते हुए सोनपुर मेले में करने जा रही है काजल। सो दोस्तों सोनपुर मेला में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रचलित होगी इस बार भी काजल, जो कि मलमास मेले में राजगीर में काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी काजल, तो वही जो है शोभा स्मार्ट थिएटर में फिर से अपना प्रदर्शन करने आ रही हैं। तो जिनको भी आना होगा एक बार आइए और शोभा स्मार्ट थिएटर में ज़रूर विजिट करिए। चलिए और भी यहाँ पे स्मार्ट थिएटर ये कौची है भाई कौची का। दोस्तों देखिए यहाँ पे के एस किंग जो तेल का प्रचार करते हुए एक महान कलाकार यहाँ पर उभरते हुए दिखते हुए शोभा के एस किंग, मतलब भैया जी मेले में भी बताइए यहाँ पर एक से एक चीज़ का जो है स्पॉन्सर प्रचार यहाँ पे लोग जो है करते रहते हैं सब चीज़ में। दोस्तों शोभा के एस किंग देखिए यहाँ पे गुलाब विकास थिएटर, और इस साइड जो है कपड़ा वगैरह यहाँ पर जो है मिल रहा है, इस इधर जो है थिएटर है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर आप सभी को दिखाते हैं, यहाँ पर लोग जो है मस्त फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, और इस साइड जो है लड़कियों लोगों का सेशन है, अपना आराम से आइए और एक से एक आप कपड़ा वगैरह जो है लीजिए। बिहार के सोनपुर मेला में कई सालों से कई वर्षों से फेमस एक सिटी है, ज़्यादा फेमस रहता है। देखिए यहाँ पे आंटी जो है सिटी सेल कर रही हैं, जो कि हमारे बिहार के सोनपुर मेला में काफ़ी ज़्यादा ये फेमस सिटी है, ठीक है। कितना के आंटी है? 10 के जोड़ा। तो आंटी बोल रही है 10 का जोड़ा कैसे बजाइए तो। तो दोस्तों देखिए ये जो सिटी है ना भाई, ये 10 का जोड़ा आपको मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। और ये सिटी और प्लस इलट्टू आप लोग देख रहे हो ना, इलट्टू कैसे आंटी? 10 में 2 गो। तो दोस्तों ये हमारे बिहार के सोनपुर मेला में ये लट्टू और ये सिटी काफी वर्षों से चलता आ रहा, बहुत फेमस है।
इसी मेला में से मिलता है, इसी मेला में मिलता है और कहीं आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आंटी ये कैसे बनाती हैं आप बनाती हैं? कैसे बनता है? इसको मिट्टी सान के रख देते हैं, अपना बनाते हैं, आटा लेकर सान के रख देते हैं तब बनाते हैं। अब गरीब आदमी क्या करके खाएगी, ये सब करके खाते हैं। बहुत वर्षों से ही चलता रहा, तो आपके जैसा और भी लोग होंगे जो यहाँ पर ये चीज बेच रहे होंगे? हाँ, आगे में। आगे में, चलिए ठीक है जी। एक सीटिया दे दीजिए। तो अभी हम लोग जो है सोनपुर मेला से एक ये सीटी ले लिए हैं जो कि मट्टी से बनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और एक लट्टू ले लिए हैं। तो 10 में हमको जो है दोनों मिल गया है। वैसे आंटी देती है जोड़ा, मतलब कि 10 के सीटी लीजिएगा तो 2 सीटी मिलेगा, और लट्टू लीजिएगा तो 2 लट्टू मिलेगा, लेकिन हम जो है एक ही को ले लिए हैं दोनों में से, दोनों का मजा उठाने के लिए। और यहाँ पर मस्त अभी हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं। बोलिए भैया, कुछ बोलिए, जल्दी वहाँ से हटो। 200 जल्दी वहाँ से हटो भाई, जल्दी वहाँ से हटो। तो दोस्तों यहाँ पर एक से एक यहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। भैया मस्त माइक लिए हुए थे तो हमको वो वायरल रील जो है याद आ गया, जल्दी वहाँ से हटो। तो ठीक है, अभी हम लोग घूम रहे हैं बम्बे बाजार। देखिए यहाँ पे बम्बे बाजार में आपको भी यहाँ पे टोपी वगैरह मिलेगा और भी मतलब कई सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगा। आइए एक बार घूमिए, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अभी हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। भैया वहाँ से मस्त हाय हेलो करते हुए, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं और देखते हैं और क्या है। भैया इधर तो पूरा कपड़ा का मार्केट है, अभी इधर से हम लोग निकल के सोच रहे हैं थोड़ा दूसरा एरिया में एंटर करते हैं। अब इसके अंदर एंटर करने वाले हैं कृषि प्रदर्शनी, और इसके अंदर जो है मस्त आपको यहाँ पर देखिए हरियाली और घर में, और यहाँ पर आपको एक से एक पेड़ पौधे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि हरियाली यहाँ पर पूरा देखने को मिलेगा। पूरा हरियाली देखिए, नीचे में पौधे वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं एक से एक यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर डेकोरेट यहाँ पर किया हुआ है, जो कि पहाड़ है, पहाड़ के नीचे से यहाँ पे पानी चूड़ा है। यहाँ पर देखिए एक लड़की, एक औरत है जो कि कुएं से मतलब पानी को निकाल रही है, पक्का कुआं यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है। मॉडल के रूप में यहाँ पे दिखाया गया है इन सारी चीज़ों को, और यहाँ पर देखिए काफ़ी यहाँ पर आकर एक अलग ही वाइब आ रहा है भाई। यहाँ पर देखिए गन्ना का यहाँ पर खेती कैसे होता है, उस सारा चीज़ों को यहाँ पर जो है दिखाया गया है, और इस तरफ गन्ना चन यहाँ पर मतलब एक से एक यहाँ पर चीज़ आप सभी को देखने को जो है मिलेगा। यहाँ से भी हम लोग और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप सभी को पौधे वगैरह भी देखने को मिलेंगे भाई सोनपुर मेला में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं पौधों को देखने के लिए कि कैसा कैसा यहाँ पे जो पौधे वगैरह हैं यहाँ पर मिलेगा। अभी हम लोग जो है वहाँ से जो है एंटर किए हैं और अंदर की ओर आए हैं, जो कि काफ़ी सही है। तो चलते हैं और देखेंगे। अभी हम लोग का शायद काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटा सा छोटा क्लिप को जो है एक वीडियो में जो है कवर करें, तो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी को देखते रहिए हमारे वीडियो और एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है रेगुलर लाऊं, काफ़ी दिन गैप हो गया। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बंधा वगैरह का जो है खेती यहाँ पर किया जा रहा है, और काफ़ी यहाँ पे फूल वगैरह का भी जो है पौधा लगाया गया है, और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार जी भारत के राष्ट्रपति के साथ यहाँ पर सम्मानित उनको करते हुए कृषि विभाग, और यहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि पर देखिए कैसे खेती होता है सब यहाँ पर जो है दिखाया जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे शाम हो रहा है लोगों का यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अभी भैया जी आज छठवां दिन है जो यहाँ पर इतना भीड़ आप सभी को देखने को मिल रहा है। तो सोचिए महीने के लास्ट में जब ये सोनपुर मेला जब खत्म होने को जाएगा तो यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है भीड़ और देखने को आप सभी को मिल सकता है। घूमते घूमते अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे आए हैं यहाँ पर क्या क्राफ्ट बाजार। देखिए यहाँ पे क्राफ्ट बाजार सोनपुर मेला, अभी हम लोग इसके अंदर जो है चलते हैं। क्राफ्ट रिलेटेड जितने भी सामान होंगे वो सारे यहाँ पे आप सभी को देखने को मिलेंगे। और भैया जी वीडियो बनाते बनाते शाम हो गया है, फोन का बैटरी भी जो है डिस्चार्ज हो गया है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे लोगों का यहाँ पे भीड़ जो है काफ़ी ज़्यादा है। आखिर लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चलिए थोड़ा सा हम लोग जरा देखते हैं क्या चीज़ का भीड़ लगा हुआ है भाई। खाली पानी है, उसी कर रहा है, बहुत पानी फेंक रहा है। देखने में तो इसकी स्थिति ठीक है, अगर ज्यादा तबीयत फिर खराब हो तो डॉक्टर साहब भी ले जाकर के डॉक्टर साहब से दिखा ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आप मेरे बच्चे को बचा लिए, बहुत ठीक है। अच्छा बाबा जी चलिए इधर आइए। तो दोस्तों यहाँ पे बाबा जी अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, जो कि दर्द बीमारी ठीक हो जाएगा। आइए यहाँ पर फिलहाल हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पर देखिए रिंग लाइट से गोल गोल घूमते हुए हस्बैंड वाइफ अपना यहाँ पे वीडियो बनाते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सही है भाई। यहाँ पे रिंग वगैरह अभी ज़्यादा नहीं इसका चार्ज रहता है, 50 रुपये चार्ज दीजिए और गोल गोल घुमाइए, वीडियो बनाइए। हाँ और यहाँ पर देखिए यहाँ पे मस्त घर का घरेलू सामान इसके अंदर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। पिछले साल मैं इसके अंदर आया था, अभी मुझे ध्यान में आ रहा है कि हाँ मैं इसके अंदर आया हुआ था भाई। यहाँ पर बहुत सारे सही सही यहाँ पे चीज़, यहाँ पर देखिए बैग वगैरह मिल रहा है, ठीक है, लूसी जूस, यहाँ पे जूस वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा।
चलिए थोड़ा और आगे चलेंगे, देखेंगे और इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पर झोला वगैरह देखिए यहाँ पे मिल रहा है, और अंदर में जो है एक से एक घर का घरेलू सामान डिजाइन से बना हुआ डिजाइन घर देखने को मिलेगा। आगे जो है मुझे लग रहा है लकड़ी का कुछ बना हुआ जो है सामान आगे मिल रहा है। चलिए चलेंगे यहाँ पर। ये वेट है आपका, वजन 70 किलो है ऐसे कुछ बोलता है भाई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हंसी आता है देखने में। बिहार से बना हुआ एक से घर का घरेलू सामान नाव देखिए लेडीज लड़की, 5000 का ये मूर्ति है भाई। ये वाला जो मूर्ति देख रहे हो ये 5000 का मूर्ति है, बाकी कुछ ऐसा है। ये वाला 10000 का, वाह क्या है भाई 10000 का यार, इतना भयंकर। और सामने वो गोल रंगीन सा वो झूला झूलते हुए जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, पिंग वगैरह टांगने के लिए जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है बना हुआ है भाई। यहाँ पे कप वगैरह जो है रहता है काफ़ी बेहतरीन। यहाँ पे लड़कियों का अपना नाक में का कान में का बाली वगैरह मिल जाएगा, झोला मिल जाएगा, और यहाँ पर जगह जगह पर यहाँ पर पुलिस वाले यहाँ पर दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आराम से सीटी वगैरह बजाते हैं बच्चे लोग। चलिए चलते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। इसके अंदर का जो सीन था कुछ ऐसा आप सभी को देखने को मिल जाएगा भाई। तो आपको वीडियो ये कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक